वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है एक लैक्मे की आर्गन ऑयल वाली जो क्रीम होती है उसका रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो मुझे पर्सनली यूज़ करने में कैसी लगी और आप लोग को अपने लिए वो बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। इसी तरह से इसका एक गोल्डन कलर का जो है वो आउटर बॉक्स आता है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में, गोल्डन कलर का ही होता है, उसमें ये जो है कंटेनर आता है। तो इसका जो अंदर से इनर जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर पैकेजिंग इसकी मुझे लगती है, गोल्डन कलर की है, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है इसकी, ठीक है। तो ये वाला जो है लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस ऑयलिंग क्रीम है ये वाली जो मेरे पास है, ठीक है। सेम पैकेजिंग में आपको जो है वो लैक्मे एब्सोल्यूट की आर्गन ऑयल रेडियंस ऑयल एंड जेल भी मिल जाता है। तो अगर आपका ऑयली स्किन वाले हैं अगर आप, तो आप जेल वाली प्रेफर करना, वो वाली भी बहुत ज़्यादा आपको सूट करेगी, ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो के एंड में जो है वो आपको बताई दूंगी कि ये कौन कौन से स्किन टोन वालों को सूट करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये वाली जो मेरे पास जो कंटेनर है ना, ये 50 ग्राम्स का है कंटेनर और इसकी जो MRP है वो है 799, लगभग आप 800 ही समझ लीजिए, 1 rupees ही कम है, ठीक है। तो और इसकी बुरी बात ये है कि ये जो है वो MRP पे ही मिलती है ज़्यादातर। शायद ही अगर आप लैक्मे के आउटलेट से अगर आप जाकर परचेस करोगे और वहाँ पे कई सारी चीज़ें साथ में परचेस करोगे तो शायद हो सकता है वहाँ पे कभी कभी डिस्काउंट चल रहा हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाए। अदरवाइज़ जो है हमेशा जब भी मैंने इसको देखा है और जब मैंने बाय भी किया है तो ये पूरा MRP पे ही मैंने बाय करा है, ठीक है। तो ये 799 की है। और एक चीज़ की, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद ही से बाय करके और उसके बाद आपको उसका ऑनेस्टली रिव्यू देती हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो पेड प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। सभी चीज़ें खुद ही बाय करके और खुद ही उसका रिव्यू करती हूँ, उसको यूज़ करने के बाद आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इसकी जो पूरी जो आप ये शीशी में जो क्वान्टिटी दे रखी है वो लगभग आप जो है वो 2 years तक इसको यूज़ कर सकते हो। 50 grams क्वान्टिटी है, 2 years तक आराम से यूज़ कर सकते हो, यूज़ हो जाती है पूरी। मेरी भी ये है, थोड़ी सी ही बची है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने जो है वो बहुत सारी इसकी यूज़ कर ली है, बिल्कुल ज़रा सी बची है, ठीक है। इसका जो कलर है, टेक्सचर तो सेम क्रीम वाला ही है, थोड़ा सा थिक टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा जेल वाला नहीं है, बिकॉज ये जेल है भी नहीं, तो थोड़ा सा थिक टेक्सचर ही है इसका, ठीक है। तो मैं अभी आपको उसको यूज़ करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा येलोइश कलर है, ठीक है। ये देखिए, जब इसको आप ब्लेंड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत ही ईजली जो है वो ब्लेंड हो जाता है। थोड़ा सा जो है ये वाइटिश आपको लगता है लगाने के थोड़ी देर बाद तक, एंड उसके बाद स्किन इसको बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बिल्कुल भी वाइटिश सा नहीं लगता है। आप डिफरेंस देख सकते हो, थोड़ा सा वाइटिश लग रहा है और ये थोड़ा सा येलोइश लग रहा है ये वाला, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा वाइटिश आता है। एंड फ्रेग्रेंस वॉज ऑसम, मतलब लैक्मे की जितनी भी क्रीम वगैरह आती है ना, मुझे उन सबकी जो है वो फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसी में से एक ये भी है, इसकी जो है वो फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे पहले मैंने लैक्मे की एक और यूथ इन्फिनिटी रेंज की क्रीम का जो है वो रिव्यू करा था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है और आप उसे बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ वो रिव्यू ज़रूर देख लेना। मैं लिंक उसका आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये वाली जो है वाकई इसमें जैसा इन्होंने क्लेम कर रखा है कि ये रेडियंट बनाती है स्किन को, वाकई बनाती है। और इनका कहना है कि जब भी आप ये वाली क्रीम यूज़ करो, ये बेसिकली डे क्रीम है, इसके साथ इन्होंने बोल रखा है कि नाइट क्रीम भी यूज़ करो और सिरम वगैरह सब कुछ यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा जो है वो ग्लो अपने फेस पे देखने मिलेगा। बट मुझे मेरे स्किन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, सो अभी मैंने इसका सिरम वगैरह सब कुछ साथ में यूज़ नहीं करा है, मुझे खाली ये लगा के भी रिजल्ट जो है वो ठीक ही लग रहे हैं, तो मैंने और कुछ जो है वो यूज़ नहीं करा है, ठीक है। ये वाला जो है बेसिकली मोरक्कन ऑर्गन ऑयल से इन्होंने, ये इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो आप मोरक्कन ऑर्गन ऑयल बोल सकते हो, वो इन्होंने इसमें बेसिकली यूज़ करा है, ठीक है। बट अगर आपकी स्किन में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस क्रीम के साथ डेफिनेटली इनकी नाइट क्रीम और इनका सीरम जो है वो भी ज़रूर यूज़ करो, आपको रिजल्ट जो है वो पहले से और ज़्यादा बेटर लगेगी अपनी स्किन के लिए, ठीक है। मैंने इसको यूज़ करा है, यूज़ करने में काफ़ी अच्छी है, बट चूँकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली होती हैं ये सब क्रीम, तो मैं इनको सिर्फ पार्टीज़ वगैरह में प्रेफर करती हूँ, डेली यूज़ में मैं इन्हें प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादा केमिकल्स। इसलिए क्या, मैं ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ जो है वो डेली यूज़ में प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपकी स्किन के साथ कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको ये वाली क्रीम ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये वाली जो सूट किस किस को किस किस स्किन टाइप को करेगी, ठीक है।
तो ड्राई स्किन वाले अगर आप हो तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्रीम है ये, बिकॉज ऑयल क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन हो, आप नॉर्मल स्किन हो, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको यूज़ ना करें, स्पेशली समर्स में इसको यूज़ ना करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऑयली स्किन वाले भी अगर इसको विंटर्स में यूज़ करेंगे तो ये उनको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन समर्स में ऑयली स्किन वालों के लिए मैं ये वाली सजेस्ट नहीं करूँगी। ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, समर्स में भी विंटर्स में भी, ठीक है। काफ़ी अच्छी जो है वो ये क्रीम है। अगर आप एसी में रहते हो तो आपको ज़रूर एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, वरना जो एसी में जो लोग रहते हैं ना उनकी स्किन थोड़ी थोड़ी सी ड्राई होने लगती है, अगर एक अच्छा मॉइस्चराइजर वो अपनी स्किन पर ना अप्लाई करें तो। तो अगर आप रहते हो तो भी आप ये यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छी क्रीम लगेगी आपको। और प्लस ये आपको जो है वो यूवी रे से भी बचाती है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। सन डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है अगर आप ये वाली क्रीम लगाकर अगर आप दिन में कहीं बाहर जाते हो, ठीक है। तो मैं प्राइमर के ऊपर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ पार्टीज वगैरह के लिए तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ। डे में मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बट नाइट में जाती हूँ तो फाउंडेशन वगैरह ज़रूर मैं इसके साथ यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू है, ये क्रीम मुझे अच्छी लगी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए, ताकि जो लोग बाय करना चाहते हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सबको रिव्यू अच्छा लगा होगा और मैंने इसके बारे में सभी कुछ आप लोगों को बता दिया होगा। बट अगर कुछ भी रह गया हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, आगे भी इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो भी नई वीडियोज़ हो आप सबके पास जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।